ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लंबराइजेशन के विषय में और सेक्रलाइजेशन के विषय में। बिकॉज जब हम एक्सरे एमआरआई कराते हैं तो कई बार ये वर्ड यूज होता है, लंबराइजेशन है या सेक्रलाइजेशन है। तो पेशेंट हमारे क्लिनिक पे भी बहुत ज्यादा क्वेरीज करते हैं और इसके अलावा आपके व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि सेक्रलाइजेशन क्या है और सेक्रलाइजेशन के क्लासिफिकेशंस क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका क्या सिम्टम होता है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट है। ये सब चीजें हम लोग लंबराइजेशन के विषय में भी डिस्कस करेंगे और सेक्रलाइजेशन के विषय में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लंबराइजेशन होता क्या है। लंबराइजेशन के विषय में यदि बात करें तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर कॉन्जेनाइटल होती है। कॉन्जेनाइटल का मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब 6 to 8 वीक या 10 वीक का टाइम जो होता है उस समय हमारी स्पाइन की वर्टिब्रा और डिस्क डेवलप हो रही होती है, वो बन रही होती है। उस समय जो हमारी सेक्रम की, जैसे कि आप देखेंगे, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि सेक्रम की हमारी 5 बोन है, लंबर की हमारी 5 बोन है और इन 5ों वर्टिब्रा जो ऊपर वाली है इनके बीच में डिस्क होता है और ये हमारी लंबर वर्टिब्रा हो गई। इसी तरह से जो हमारी सेक्रम की 5 बोन है ये आपस में जुड़ी होती है। लंबराइजेशन में क्या होता है कि जो सेक्रम की S1 वर्टिब्रा होती है, सबसे पहली वाली वर्टिब्रा होती है, ये सेक्रम से पूरी तरीके से नहीं जुड़ी रहती है और वो इंडिविजुअल वर्टिब्रा होती है जो कि लंबर वर्टिब्रा की तरह बिहेव करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबर वर्टिब्रा की कैटेगरी में ही रखते हैं और इसको L6 बोलते हैं। मतलब कि यदि मैं लंबराइजेशन की बात करूं तो लंबराइजेशन में हमारी लंबर की वर्टिब्रा कितनी हो गई, 5 के जगह पे 6 हो गई और जो L5S1 होता है वो अब L5L6 हो गया। तो बेसिकली ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है और ये बर्थ के समय होती है और ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आपको बताऊं बहुत सारे लोगों में होता है और अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सेक्रलाइजेशन क्या है। सेक्रलाइजेशन ही लंबराइजेशन की तरह ही एक तरह की डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी ही है कि ये कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होती है और ये भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मैं बताया कि 8 वीक के आसपास जो डेवलपमेंट होता है उसी समय जब डिस्क और वर्टिब्रा का डेवलपमेंट होता है, ये हमारा जो L5 वर्टिब्रा है इसमें L5 वर्टिब्रा में ये जो ट्रांसफर प्रोसेस है, आप देखेंगे ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, ये कई बार ऐसा होता है कि एक साइड या दोनों साइड इतना ज्यादा डेवलप होता है कि या तो वो सेक्रम से जुड़ करके फ्यूज हो जाता है या अनफ्यूज होता है, बट काफी हद तक इनकम्प्लीट फ्यूजन होती है। कभी कभी देखा गया है कि ये वर्टिब्रा सेक्रम के साथ तो जुड़ती ही है और कभी कभी पेल्विक बोन के साथ भी जुड़ जाती है और जुड़ करके ये फ्यूजन हो जाती है, इनकम्प्लीट है या कम्प्लीट है। इसका जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, बिकॉज ये कई लोगों में एक साइड जुड़ती है एक साइड नहीं जुड़ती है, इसका क्लासिफिकेशन है जिसको कॉस्टेलनी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इन्होंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 1A और 1B। 1A का मतलब ये हुआ एक तरफ का ट्रांसवर्स प्रोसेस डेवलप हुआ है लेकिन पूरी तरीके से फ्यूजन नहीं है। 1B का मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरफ की बाइलेटरल हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस बढ़ी हुई है लेकिन कंप्लीट फ्यूजन नहीं है। 2A में ये डेवलप भी हो गया है और लगभग लगभग फ्यूजन की कैटेगरी में है लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट फ्यूजन नहीं है। और 2B में ये है कि ये दोनों साइड है और पूरी तरीके से कंप्लीट फ्यूजन में नहीं है लेकिन काफी हद तक आपस में स्टेबलाइज हो रहा है। और हमारा 3A में है कि एक साइड पूरी तरीके से कंप्लीट फ्यूजन हो गया है और 3B में है कि हमारा दोनों तरफ से हमारी जो वर्टिब्रा है L5 वो पूरी तरीके से जुड़ चुकी है, या तो सेक्रम बोन में या तो हमारी पेल्विक बोन में। दोस्तों, इसमें जो 4 की कैटेगरी है उसमें ये दिखाता है कि एक तरफ कंप्लीट फ्यूजन हो गया है और दूसरी तरफ 4B का मतलब ये हुआ कि एक साइड कंप्लीट फ्यूजन है और एक साइड इनकंप्लीट फ्यूजन है। दोस्तों, यदि लंबराइजेशन और सेक्रलाइजेशन के विषय में बात करें तो सेक्रलाइजेशन ज्यादा प्रोन है प्रॉब्लम के लिए कंपेयर टू लंबराइजेशन, बिकॉज
सिंपलाइजेशन में जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये आपस में पूरी तरीके से कभी जुड़ती है कभी नहीं जुड़ती है, तो जो हमारा लंबो और सेक्रल एरिया है, लंबर और सेक्रल का जो जंक्शन है, जो हमारी मोबिलिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वहां पे स्टिफनेस जो है ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे केसेस में एक ही साइड पेन होता है और इस डिजीज को जो हम बोलते हैं वर्टोलिटिस सिंड्रोम बोलते हैं, इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि एक साइड जो सेक्रोइलियर जॉइंट की तरह ही पेन आता है, उसी की तरह सिम्टम आता है और इसमें हिप के साइड में स्टिफनेस, आपका पेल्विक टिल्ट हो जाता है, एक डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है, लेकिन इसमें रेडिएटिंग पेन देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसको इजिली एक फिजियोथेरेपी के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। ऐसे केसेस में बहुत कम सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ही रेयर केस में होता है या बहुत सीरियस केस में होता है। अनदर वे एक्सरसाइज के थ्रू इसको हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, और फिजियोथेरेपी के थ्रू, बिकॉज फिजियोथेरेपी में सबसे अच्छी बात क्या है कि इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी है। दोस्तों देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारा जो ज्वाइंट है ये स्टिफ हो जा रहा है, मोबिलिटी कम हो जा रही है और हमारा पेल्विक टिल्ट हो जा रहा है। यदि ऐसे में हम अपनी कोर मसल को पूरी तरीके से स्ट्रेंथन कर दें और अपनी मोबिलिटी को, इस ज्वाइंट के एरिया की मोबिलिटी को इम्प्रूव कर लें और इसके मोबिलिटी के साथ साथ जो स्टिफनेस है उसको कम कर लें, तो इसमें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। कोर स्ट्रेंथनिंग इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि कोर मसल वीक होगी तो जो हमारे मोमेंट L5-S1 पे हो रहा है ये डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा स्टिफनेस कहाँ चला जाएगा, सीधे हमारा L4 L5 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि ऐसे केसेस में कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और इस एरिया की मोबिलिटी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में लेजर थेरेपी हो गया, हमारे पास क्लिनिकल जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसमें लेजर हो गया, EFT हो गई, इसके अलावा आप US थेरेपी दे सकते हैं, सिकाई दे सकते हैं, इससे काफी आराम मिल जाएगा और मैनुअल थेरेपी से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इसका कारण क्या है अननोन है और इसको पता करने के लिए हमें एक्सरे, MRI या CT स्कैन के रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग से ही पता कर सकते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे प्रॉब्लम हो तो थोड़ा पोस्चर हमेशा चेंज रखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लंबराइजेशन और सेक्रलाइजेशन में किस तरह की एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज से कैसे बेनिफिट लें। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।